हाँ मेरे का इतना खोज खबर कर रहा है, मतलब मैं कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब वो जब वो बड़ा अपने आप को मानेगा तो आपका सुनेगा, अब नहीं सुनेगा, मगर हम क्या है उसको सुनाने में लगे। बड़ा एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बड़ा मुश्किल एक सवाल है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा मान लिया है और आपने वो पीछे पड़ करके अपने आप को छोटा बनाया है, तो वो क्या करेगा, वो पेलेगा, वो आपको वो सुनाएगा बहुत सारे, वो जितना जितना न्यूज वो आज तक वाले नहीं देंगे वो उतना न्यूज आपके डाउनलाइन आपको देने शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या हो गया है, अब आपकी पंचर हो जाएगी, आपके अंदर वो नेगेटिविटी जो है वो हावी होने लग जाता है, बस उसी के साथ वो आप भी बैठ जाते हो। हाँ यार ठीक है यार, बेस्ट चीज ऐसा ही है, लग तो मेरे को भी लग रहा था यार उस टाइम। ठीक है, अब जैसे आपने इतना बोला वो आपके डाउनलाइन वो सातवां आसमान में होता है, उसके अंदर खुशी की सीमा ही नहीं रहता। क्यों क्यों, आपसे यही तो कहना चाहता था, वो आपने कह दिया, आपका बिजनेस सुन के बैठ जाता है। मगर अगर वाकई में सीरियसली आप नेटवर्क के अंदर कामयाब होना चाहते हो, आपके पास एक प्रिंसिपल होना चाहिए, ये व्यक्ति एक्टिव है इनको हमेशा आप फॉलो कीजिए। सात स्टेप हमने क्या किया, सात स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, बता मेक द लिस्ट, ये तो आपने कितनी बार सुने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए ये सात स्टेप हमेशा पार करना होता है, सात स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो गौतम बाली हो, चाहे डॉक्टर दीपेंद्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विष्णु जी हो, ये सात स्टेप से आपको पार होना होता है। क्या है, यूज द प्रोडक्ट, सेकेंड शेयर द प्रोडक्ट, थर्ड मेक द लिस्ट, फोर्थ इन्विटेशन, फिफ्थ मीटिंग, सिक्स्थ टीम वर्क, और लास्ट में फॉलो। ये सात काम आपको करना पड़ेगा लगातार 5 साल कंसिस्टेंसली। आप 5 साल काम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके नीचे हजारों लोग ऐसा फॉलो करने वाले मिलेंगे और आप